टाइगर सलमान खान के फैंस के लिए एक बुरी खबर, क्योंकि सल्लू इस तरह के डेडली स्टंट सीन्स करते हुए अब नहीं आएंगे नजर। और ये फैसला खुद लिया है टाइगर ने। सलमान ने जूम के साथ एक्सक्लूसिवली बात करते हुए बताया था, एक्शन सीन्स के लिए जरूरत होती है कमिटमेंट की। And it was not like you know, the other kind of action that I've done, which is like all, you know, lot of cable work and a lot of stuff which is like upside down and, you know, somersaults and stuff like this is like straight on normal head on action, which required a lot more energy because most of the stuff was real jumping and, you know, fighting, etc. और अब आ रही खबर की माने तो सल्लू अपनी हेल्थ इश्यूज की वजह से एक्शन फिल्म्स को कर रहे हैं इनकार। फिल्म एक का टाइगर के दौरान ज्यादातर सीन्स में डायरेक्टर कबीर खान ने बॉडी डबल को यूज किया था, और एक का टाइगर फिल्म के एक्शन सीक्वेंसेस को ध्यान से देखें तो साफ पता चल रहा था कि पूरी फिल्म में एक्शन सीक्वेंस बॉडी डबल ने किए हैं। और फिल्म दबंग 2 के एक्शन सीक्वेंसेस के लिए भी अरबाज खान बॉडी डबल का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। बैक टू बैक एक्शन फिल्म्स पर काम करके सलमान अब थक चुके हैं, और यही वजह है कि सलमान ने सोहेल खान की फिल्म शेर खान को एक एक्शन फिल्म की जगह रोमांटिक फिल्म बनाने का फैसला लिया है, और सोहेल से रोमांटिक फिल्म के अकॉर्डिंग स्क्रिप्ट लिखने की डिमांड की है। वैसे सलमान के पास ज्यादातर एक्शन फिल्म्स के ऑफर ही आते हैं, लेकिन सलमान अब कुछ दिनों तक रेस्ट करना चाहते हैं, और इसी वजह से उन्होंने रोमांटिक फिल्म्स करने का फैसला लिया है। वैसे सलमान के इस फैसले से अगर किसी को सबसे बड़ा झटका लगेगा तो वो होंगे डायरेक्टर साजिद नडियाडवाला और शिरीष कुंदर, जो कि काफी दिनों से फिल्म किक के लिए सलमान की डेट्स का इंतजार कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि सलमान फिल्म किक के लिए वही बॉडी डबल वाला फंडा अपनाएंगे या फिर इस फिल्म को डिले करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Hi, this is Sonu Sood and subscribe to Zoom TV's channel on YouTube.